दोस्तों, मैं अक्षय आर्य पेट सबसे। आज हमारे पास लैब्राडोर का पप्पी है, तो लैब्राडोर का फीमेल दिया जा रहा है। अच्छा, दिखा दे। तो आप लोगों का लैब्राडोर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी, तो आज जो लैब्राडोर देने वाले हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज जो लैब्राडोर यहाँ से जाने वाला है, आपको 15,000, 20,000, 10,000 भी नहीं लगने वाले हैं। ये आपको अंडर 10 के पड़ेगा। अगर इस तरह की क्वालिटी आप चाहते हैं तो ये आपको 10,000 के नीचे में ये बच्चा आपको मिल जाएगा। आप बच्चे की क्वालिटी देख लें। ये लैब्राडोर का फीमेल है, तो ये बच्चा आपको अंडर 10 के पड़ेगा। और इस बच्चे का जो भी डाइट होगा, यानी लैब्राडोर का जो भी डाइट है, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो पे। जो लैब्राडोर लेने के लिए क्लाइंट आया है, चलिए उनसे आपका इंट्रो कराते हैं। कहाँ से आए हैं और भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? मनेर। मनेर? मनेर से। मनेर में कहाँ गए? मनेर से। प्रॉपर मनेर? प्रॉपर मनेर से। नाम क्या हो गया भैया आपका? राहुल कुमार। और भैया आपका? धीरज। तो ये लोग मनेर से आए। भैया नंबर कहाँ से लिया था हमारा? तो भैया चलिए आपको पहले मैं खाने पीने के बारे में आज बताता हूँ कि क्या आपका डॉग ले जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम खाने पीने पहले आप लोगों ने डॉग पाला है कोई? नहीं सर, लैब्राडोर ही था। कितने दिन का था? अभी कुछ दिन पहले 14 तारीख को डेट कर लिया हुआ थी डिलीवरी के। अच्छा अच्छा फीमेल ही थी। तो डिलीवरी पीरियड में डेट करने का रीज़न? योगा के लिए। अच्छा अच्छा। अभी इनसे बातचीत के दौरान पता चला कि इनकी एक एडल्ट फीमेल थी जो कि डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई। तो ये भी एक विषय है, क्योंकि बहुत हमारे क्लाइंट डॉग हमारे पास से ले जाते हैं या कहीं और से परचेस करते हैं, तो डिलीवरी के टाइम में क्या क्या सावधानी होना चाहिए, तो उसके लिए अतुल भैया को मैंने बुलाया है स्पेशली। तो आप लोग इनसे जान लें कि इसमें क्या सुविधा और सावधानी रखनी चाहिए। पहले क्या क्या आप लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या चाहिए होगा उस समय जब आप डिलीवर हो रहा है कोई बच्चा, आपका आपका डिलीवरी का डेट अब नज़दीक आ गया, तो उस टाइम में क्या क्या आपको सामान चाहिए और डिलीवरी कैसे कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में डिटेल अतुल भैया थोड़ा हेल्प कीजिए हमारे, क्योंकि इनका डेथ हुआ आखिर क्यों हुआ वो भी रीज़न आप बताएं और क्या होना चाहिए था और कैसे मिल था। सुबह ठीक था, 10 बजे उसको खाना दिया, चावल दिया 10 बजे। उसको और कुछ रीजन रहा होगा, जैसे कि 3-4 दिन पहले से वो खाना पीना कम खा रही होगी या फीवर वीवर में रह रही होगी, ठीक है, या एनीमिया के कारण भी यह प्रॉब्लम आता है, या कोई हार्ट अटैक। हाँ, हार्ट अटैक खाना खा रहा है, खाना खा सुनिए ना, इस टाइम हार्ट अटैक भी होता है। ये हमको पता था कि डिलीवरी होने वाला है 5-6 दिन। अच्छा, 5 MG सुबह शाम 53 या 54 तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि अगर आपका डॉग मैटिक मैट आपने करा है, तो मीटिंग के डेट से जोड़ते हैं कि मीटिंग के बाद से, मतलब मीटिंग के डेट से काउंट करना होगा ना, पहली मीटिंग या दूसरी मीटिंग से? पहला मीटिंग से भी हो सकता है और दूसरा मीटिंग से भी हो सकता है। मतलब जब होगा, जब बच्चा जब देती है उस समय आप डेट को काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट मीटिंग से हुआ या सेकंड मीटिंग से हुआ। आपके वहाँ केस में फर्स्ट मीटिंग पे ही करना चाहिए, तो जनरली आप अगर बच्चा काउंट करना है तो फर्स्ट मीटिंग से ही आप लोग काउंट करें, उसके हिसाब से डेट जैसे रखा जाए 62 डेज है ना भैया, 62 डेज।
उस समय भी क्या क्या मतलब घर में पहले से चाहिए होता है या क्या क्या दवाइयाँ चाहिए होती है? ऐसा कुछ सिंपल है, ऐसा कुछ ये नहीं है। स्टीफन को थोड़ा थोड़ा कर करके 3 से 4 टाइम खाना देना चाहिए, दूध हो गया, फूल हो गया, ये सब चीज जो है ना मिला करके आप उसको जब वो पेन में रहती है फीमेल ना अच्छा जब फीमेल पेन में रहती है तो उस समय कोई दवा वैसा जो चलाया जाए फीमेल को? ऐसे तो हम लोग होम्योपैथी का चलाते हैं, वो भी आप चला सकते हैं। कौन सा दवा? जैसे कि एक आता है पल्स कीला, पल्स कीला स्पेलिंग आपको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है, वो आप दे सकते हैं दिन टाइम पाँच पाँच घूम कर। पल्स कीला तो वो मतलब जैसे आपका 62वां दिन आज हो गया तो क्या मतलब उसके पेन होने का वेट करेंगे या मतलब पहले से देना स्टार्ट? अच्छा तो देखा जाए तो वेटिंग जैसे ही 55 दिन जब क्रॉस किया ना तो 55 दिन के बाद से उसको कोलोफाइलम चलना चाहिए जिसका कि पावर होगा 30। अच्छा 60 दिन का कोलोफाइलम दिन में ही नहीं। अच्छा अच्छा 14 दिन में ही आपका मिसकैरेज हो गया बच्चे का, तो वो 55 दिन से 54 दिन से स्टार्ट कर देना है। बोलो पल से पीला कब से देना स्टार्ट? पीला आप दे सकते हैं बच्चा होने के बाद, बच्चा जब होने के बाद या मतलब उसी टाइम से पहले बच्चा जैसे ही होना शुरू हो तो आप उस समय दे सकते हैं, उस समय से स्टार्ट करना है। यानी पल से पीला का आपका जो भी है वो अब टाइम जब पीरियड हो गया उसका अब इसी टाइम पीरियड में जब वो बच्चा देने को है या ऑलमोस्ट दे चुकी है एक आध बच्चा उसके बाद से आप पल्सेटीला स्टार्ट करेंगे, कम करेगा पेन कम करेगा तो पहले से नहीं कम कैसे करेगा? पेन तो नहीं करेगा और बढ़ाता है, पेन को बढ़ाएगा तब अच्छा आसानी से बच्चा आएगा, प्रेशर लगाने में हेल्प करता हूँ। जैसे सिटोसिन एक मेडिसिन आता है वो तो कभी भूल के भी नहीं देना चाहिए, वो अच्छा चीज दवाई से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, दवा ज्यादा जब से 54 दिन उसको कोई दवा नहीं दी, यहाँ तक कीड़ा की दवा वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। पहले आपको चलाना चाहिए जब आपकी फीमेल हीट में आई उसी समय आपको चला देना, उसी समय की बात हो गई। और जब मतलब जब प्रेग्नेंट हो गए कोई दवा ही नहीं चलाए डर के मारे। अच्छा बाकी ये पपी लेकर के जा रहे हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम में अगर वैसा कुछ चलिए तो आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि क्या क्या डाइट होना चाहिए इसका। फर्स्ट डे से तो जैसे सुबह आप उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा 1.5 कप के आसपास गर्म पानी मिला देना, इसमें से आपको 15-20 दाना फूड का मिला देना, 1 चम्मच आपको ये मिला देना है और इसमें 1 चम्मच है ऑलरेडी छोटा सा उसमें से 1 चम्मच मिला देना है, मिला करके 15-20 मिनट आपने छोड़ दिया है और 15-20 मिनट के बाद हाथ से क्रश करके बस डॉक्टर को दे देना। ये सुबह का आपका नाश्ता खत्म हो गया, उसके बाद आता है आपका दोपहर का, उसमें दही के साथ फूड मिला करके दे सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं। दही हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि पेट में वो गर्मी नहीं बनने देता, खाना पचाने में हेल्प करता है, और दही आप देना बिल्कुल जरूरी, पेट को ठंडा रखता है बेसिकली। तो आप ये दोपहर में दे देंगे, उसके बाद आपका शाम का जो टाइम होता है दोपहर में ये जो पाउडर नहीं पाउडर नहीं देंगे ये बस सुबह, हाँ ये सुबह जिस टाइम में देना वो मैं बता रहा हूँ, ये सुबह ही देना है आपको। उसके बाद आपका दोपहर का मील आपका हो गया दही के साथ, फिर आपका शाम का टाइम हो जाता है, शाम के टाइम में चिकन स्टेक बिस्किट वगैरह जैसे ये सब हो गया, ये सब स्नैक्स के रूप में अंडा छेना पनीर ये भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में कुछ भी मिला करके दे सकते हैं, हाँ सिर्फ वही देना आपको है ना, और बिस्किट वगैरह भी दे सकते हैं डॉग बिस्किट। रात में जो आपने सुबह खाना दिया सेम कॉफी रात में रहेंगे, नहीं ये दवा नहीं दी तो दोपहर में जो दी है हाँ बस ये, हाँ ये दोनों दही के साथ नहीं सिर्फ ऐसा ही ये दोनों दोपहर में सिर्फ दही रहेगा क्योंकि रात में ठंडा ज़्यादा हो जाता है उससे डॉग को सर्दी या खांसी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे रात में दही नहीं करेंगे दोपहर का टाइम में दही करेंगे। इसके लिए ऊपर सैलेड बता रहे थे ह्यूमन वाला सैलेड भी दे सकते हैं फ्यूचर में, आप ये भी दे सकते हैं, ये प्रॉपर डॉग के लिए बना हुआ इसलिए दिया जाता है, बाकी आप वो सैलेड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दवा है इसका, तो ये जो दवा है समय डोज क्या होगा भैया इस दवा का? अभी उसका वजन लगभग 2 kg के आसपास है, तो राइट मॉर्निंग में इसको दीजिएगा 2 kg खाने खाने से पहले, खाना खाने से पहले पहला काम ये कीजिए, ठीक है? ये कैल्शियम ये लीवर टॉनिक है, लीवर टॉनिक तो चम्मच से लेगा उनको, चम्मच से नहीं सिरिंज से लेकर, तो सिरिंज से लेकर के मुंह ऐसा खोलिए ना डाल दीजिए, हां अच्छा दवा खिलाना है उसको, ये 2 ml सुबह मॉर्निंग
ठीक है, रात में जब ड्यूटी रहना तो खाना खाने के बाद तो जब आदमी सोने जाए तो ये सुबह शाम हो गया। और ये हो गया क्या करके आपको ये भी आप दीजिए 2.5 ml सुबह शाम, ठीक है, और ये दीजिए 1.5 ml सुबह शाम। ये मल्टीविटामिन हो गया और ये कैल्शियम हो गया, ये मैंने 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम, ये 1.5 ml सुबह और 1.5 ml शाम, ठीक है। और रहा बात कीड़ा का दवा का, तो ये अपने घर में पकीज लेकर के जाइए, ये एक सप्ताह के बाद जब आपके घर में ये सेट हो जाए उसके बाद ये डिवॉल्विंग कीजिएगा। जैसे अभी ये 2 kg का है, मान के चलिए एक सप्ताह के बाद हो सकता है 2.5-3 kg में, तो 2 ml आज और 2 ml कल, मैंने 2 दिन देकर के छोड़ देना, और फिर उसके बाद 15 दिन बीच कर फिर जो दूसरा जो डोज है उस दिन से 15 दिन बाद आइए आधा चम्मच का तो ये खाने में मिला करके सब कुछ फ्लेवर नीचे खाने में डाले तो ऐसे के साथ बाकी शैम्पू पाउडर तो है ही, आप हफ्ता भर के बाद नहला सकते हैं, मौसम अगर ठीक ठाक रहेगा तो हफ्ता भर के बाद ही, पहले नहीं। ये पाउडर जब गंदा वंदा रहे या किक्स वगैरह आ जाए बॉडी पे उल्टा हाथ करके छिड़क के हाथ से रगड़ करके एक घंटे के बाद काउंट कर लेंगे, जो भी टिप्स विप्स रहेगा वो सारा कुछ निकल। वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और भैया से जान लेते हैं भैया कैसा लगा आपको यहाँ हमारा जो भी चैनल, हमारे व्यूवर से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, दौड़ लेना चाहिए। कैसा लगा आपको यहाँ पे सब जाना? अच्छा लगा। तो लाइक शेयर इनके चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद।